तो याद था? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि याद था, बट जब मैंने उनको बताया कि आपने लिया था तो वैसे एक्ट कर रहे थे कि उनको याद नहीं है। करंट अफेयर से कोई चीज़ें पूछी गई आपसे? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब हाँ ये पूछा था कि वरीन्स के नोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है, सिलेबस याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए पूरा सिलेबस। मेरी बहन बोलती थी कि पी वाई की उस गीता है प्रीलिम्स में। इंसर राइटिंग में तो अभी तो स्पेस लिमिटेड है, तो मतलब वैसे बोलते हैं ना कि बुल्ज आई पे हिट करो, जो पूछा है एग्जैक्टली वही लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कंक्लूड करो, बस यही होना चाहिए सारे आंसर। खुद से सर्च करते हैं तो आपका आंसर दूसरों से हटके भी होता है, बिकॉज एक ही वीडियो हर कोई देखेगा तो आंसर अलग कैसे होगा। एक चीज़ नोटिस करिए कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, चाहे आपका प्रीलिम्स हो मेंस हो। क्या कहना चाहेंगे जो कोचिंग के पीछे भागते हैं कि नहीं मुझे कुछ अच्छी कोचिंग बता दो? कोचिंग कोई गारंटी नहीं होती सिलेक्शन की, ऐसा नहीं है, कोचिंग तो सब लोग करते हैं, सिलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से चेकआउट करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी तो मार्क्स पे पता चल डिपेंड करता है, मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। कौन सा बोर्ड था मैम आपको? मेरा रिक्वायर्ड सर का बोर्ड था, 22वें नंबर का था, आखिरी इंटरव्यू था, तो ऐसे कुछ मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। हॉबी से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी बस ये पूछा था, मतलब स्पोर्ट्स हॉबी है मेरी। जी मैम, मैं आऊँगा आपकी हॉबीज पर, लेकिन मैं उससे पहले आपका नाम वगैरह और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुश्री शुक्ला है, मैंने इंजीनियरिंग करा है ग्रेजुएशन में, अभी मैं वर्तमान में सहायक प्रबंधक पद पर पदस्थ हूँ एमएसएम के पास। अभी आपका कौन सा अटैम्प्ट है, इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। और मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। ओके मैम, तो इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से होती है मैम, किस सवाल से होती है? सबसे पहले तो रिक्वायर्ड सर का तो फिक्स है कि वो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, रोल नंबर का नाम, रोल नंबर पूछते हैं, कंफर्म करते हैं दोबारा से रोल नंबर, फिर उसके बाद पूछते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू है, पिछला इंटरव्यू किसने लिया था, उन्होंने ही लिया था मेरा लास्ट इंटरव्यू भी। अच्छा। फिर यही पूछ रहे थे कि आपको मतलब मैंने तो मार्क्स तो दिए होंगे तो तुम सिलेक्ट क्यों नहीं हुई? अच्छा, तो क्या उनको याद था? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि याद था, बट जब मैंने उनको बताया कि आपने लिया था तो वैसे एक्ट कर रहे थे कि उनको याद नहीं है, पर जब मैं रूम एंटर करी थी तो मुझे लगा कि उनको याद है। Okay, याद okay. था ओके okay. तो मैम मैं अगर बात करूँ आपके इंटरव्यू में, ओवरऑल इंटरव्यू आपका ज़्यादातर किस पर बेस्ड था, आपके करंट अफेयर पर या ग्रेजुएशन पर सवाल थे? नहीं, डैप से रिलेटेड? हाँ जी हाँ जी, पूरा डैप से रिलेटेड ही था जी। थोड़ा मतलब रिक्वायर सर तो बिल्कुल डैप से, जैसे पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करती हैं, फिर कुछ प्रश्न थे कि मतलब सत्यनिष्ठा और इससे ज़रूरी प्रशासनिक सेवा में सबसे ज़रूरी क्या होता है, फिर सामान्य से सवाल जैसे आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हैं तो फिर आप क्यों दोबारा से क्यों आई हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, करंट अफेयर से कोई चीज़ें पूछी गई आपसे? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब हाँ ये पूछा था कि वर्तमान में पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं मंत्री हैं, कुछ किसी का नाम याद हो तो, मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं। सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था, सिंपल सा था, मतलब वही कि जैसे आपका बच्चा बीमार है और आपके बॉस आपको बुला रहे हैं और फिर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगी, ऐसे सिंपल। इसके अलावा मैम, अभी आपने कहा था कि आपकी हॉबी से रिलेटेड सवाल था, अभी आप बताएं तो वो हॉबी से रिलेटेड किस तरह का सवाल था, जरा बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बताया सर बास्केटबॉल खेलता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने खेला है, तो मैंने बताया, मैंने कहा सर मैंने इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला है, तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, फिर बोले वर्तमान में भी बास्केटबॉल ही है, तो मैंने कहा हाँ, तो बोलते आप खेलते हैं, तो मैंने बोला हाँ बस। जो बच्चे नेक्स्ट इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? फोकस तो डैफ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस तो डैफ से बनते हैं, अगर आप वर्तमान में कहीं पदस्थ हैं तो वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में जो भी मतलब कार्यप्रणाली है, हायरार्की है वो, फिर करंट अफेयर, हालांकि मुझसे नहीं पूछा, बट करंट अफेयर और बेसिक जो मध्य प्रदेश हम पढ़ते हैं ना, मतलब मेंस में प्री में जो पढ़ते हैं वो, और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन। डैफ को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कैंडिडेट को? डैफ तो आप जैसे आपका जो डैफ है उसको आप पहले पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए, जितने भी सेक्शंस बनते हैं, जैसे हॉबी एक सेक्शन होता है, नाम एक सेक्शन होता है, सरनेम सेक्शन होता है, पिताजी का नाम से भी बन जाता है, एड्रेस से भी सवाल बन जाते हैं, एकेडमिक से, ऐसे आप उसको डिवाइड कर लीजिए और एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में। अच्छा, आपने शुरुआत
प्री से किया था तैयारी का या फिर मेंस की शुरुआत किया था? प्रीलिम्स से किया। कौन सा अटेम्प्ट है वैसे आपका? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट। बाकी मेंस वगैरह दिए आपने? हाँ, मैंने 19 का, मतलब मेरा पहला था तो इंटरव्यू कॉल था, बट वो कुछ कोर्ट केस का मैटर था तो उसमें बाहर हो गई थी मैं। मीडियम क्या आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश? हाँ। आज ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती, ऐसा नहीं है, होता है मीडियम से, नहीं होता, रोल नंबर वाइज होते हैं वैसे। Okay. कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू से? बहुत कम, शायद 12 मिनट 15 मिनट। सबका ये चल रहा है शायद? हाँ, क्योंकि 22 इंटरव्यू हो रहे हैं एक दिन में, तो आई थिंक इतना ही चलेगा। नोट्स मेकिंग की बात करें तो आपने नोट्स वगैरह मेंस के बनाए होंगे? हाँ, एकदम क्रिस्प नोट्स मेंस के, मतलब टॉपिक से रिलेटेड। कैसे बनाए थे वैसे, अगर किसी को बनाना हो तो किस टाइप से बनाना चाहिए? मेंस के नोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है, सिलेबस याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए पूरा सिलेबस। फिर एक एक टॉपिक आप सिलेबस से उठाइए और उसके पहले डिटेल में नोट्स और उसके बाद दोबारा से शॉर्ट में नोट्स, तो आपके सारे टॉपिक्स, मतलब एक एक पन्ने में सारे नोट्स होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर पाओ। सिलेबस जो कि अभी चेंज हुआ है रिसेंटली, तो इससे प्रोसेस को लेकर चैलेंजेस आए होंगे कि पहले जो पढ़ा था आपने, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, फिर वापस से आपको इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है? देखो, ये तो मतलब मुझे लगता है नज़रिए का भी फ़र्क होता है, जैसे बेनिफिशियल भी होता है, जैसे सिलेबस चेंज होता है तो वही सेम घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, तो जो नए आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, आप दोबारा से नए नोट्स बनाएं, इजी शुरुआत में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं सिलेबस चेंज होता है तो नज़रिए का फ़र्क है। बाकी दो बार भी मेंस दो पुराने सिलेबस से तो भी नोट्स तो नए बनते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज की भी अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज पर किस तरह से अटेम्प्ट वहाँ पर करना चाहिए जिसकी वजह से प्रीलिम्स में हायर स्कोर किया जा सके और कट ऑफ को क्लियर किया? प्री के टेस्ट सीरीज की बात करें, प्री के टेस्ट सीरीज तो एज अ प्रैक्टिस ही देखते हैं, मतलब मेरे लिए टेस्ट सीरीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते थे उस पर उसका मेरा पर्पस इतना ही होता था कि मेरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाए, एंड टाइम बाउंड सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है अगर आप टेस्ट देते हैं तो, और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, जैसे अगर कोई सवाल गलत होता है तो हमेशा याद होता है टेस्ट सीरीज में, फिर वो मेन इंटरव्यू में गलत नहीं होता। और अगर PYQ की बात करें, PYQ और टेस्ट सीरीज दोनों में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज़्यादा? PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरी बहन बोलती थी कि PYQ गीता है प्रीलिम्स में, सिर्फ MP के नहीं, मतलब बाकी अदर स्टेट सर्विस में भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। और अगर मीन्स आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो आंसर राइटिंग में किस तरह से, किस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा आंसर निकल के आए और हायर स्कोर किया जा सके? आंसर राइटिंग में तो अभी तो स्पेस लिमिटेड है, तो मतलब वैसे बोलते हैं ना कि बुलजाई पे हिट करो, जो पूछा है एग्जैक्टली वही लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कंक्लूड करो, बस यही होना चाहिए सारे आंसर, मतलब मैं तो यही करती थी लॉन्ग आंसर्स में। फ्लो चार्ट डाइग्राम का पर्पस ये है कि कम स्पेस में ज़्यादा बातें कहें। ये क्या कोई ChatGPT या Gemini AI वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है और रिलीवेंट है क्या ये अगर कोई इस्तेमाल करे? बिल्कुल किया जा सकता है, लोग करते भी हैं, हालांकि मैंने नहीं किया, मुझे हैबिट नहीं थी, मैं तो अभी भी हाथ से पेन पेपर में नोट्स बनाने में विश्वास करती हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने ज़्यादा आपकी इस जर्नी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, यूट्यूब वगैरह का क्या आपके इसमें तैयारी में कितना योगदान रहा? बहुत बेनिफिशियल होता है, और YouTube से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑनलाइन जब आप खुद टॉपिक सर्च करते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आपको अपने बनाए हुए नोट्स याद रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और खुद से सर्च करते हैं तो आपका आंसर दूसरों से हटके भी होता है, बिकॉज एक ही वीडियो हर कोई देखेगा तो आंसर अलग कैसे होगा? एंड में आपका कोई सजेशन जो व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? नहीं, कोई सजेशन नहीं। नहीं, इतना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए और आप इंटरव्यू तक पहुँच गए हैं, बस यही है कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, न्यूज़पेपर लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं तो रोज़ पढ़ने चाहिए। अकेडमी वगैरह किया था या फिर सेल्फ किया था? सेल्फ किया था। क्या कहना चाहेंगे जो कोचिंग के पीछे भागते हैं कि नहीं मुझे कुछ अच्छी कोचिंग बता दो? नहीं, ऐसा नहीं, कोई बुराई नहीं है कोचिंग करने में, मुझे लगता है कि जो टाइम पीरियड कम हो जाता है, आपकी मेहनत थोड़ी कम लगती है कोचिंग अगर लोग करते हैं तो। बाकी ये है कि कोचिंग कोई गारंटी नहीं होती सिलेक्शन की, ऐसा नहीं है, कोचिंग तो सब लोग करते हैं, सिलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए और कोचिंग ठीक है, मतलब एक लेवल तक इम्पॉर्टेंट है,